And welcome to Gitanjali Academy e learning classes, my dear children of class. Second, today we are going to study another new chapter of your English subject, lesson number three, Mother Teresa. So, here we go. Read after me, and I'm going to explain you this chapter thoroughly. Mother Teresa was a great woman, she was born on 26th August 1910 in Republic of Macedonia. Her father's name was Nicole Boyagio, and her mother's name was Drana Phile. She was given the name Angus Gonza. Boyajio. the family always called her Gongza, which means flower bird because she always looked a little plump and pink and also cheerful. She was the youngest of three children and she had an elder brother Lazar, the sister Aga. They lived in a large house with a big garden. So, my dear children, this story is all about Mother Teresa, Joeik Maha Nariti, Unka Jan, Republic of Macedonia, 26th August 1910. उनके फादर का नाम निकॉल बोयाजियो था और उनकी मम्मी का नाम यानी माता जी का नाम ड्राना फिले था और उनका नाम रखा गया एंगस गंगज्जा बोयाजियो इन वर्ड्स को जो मैं भी आपके सामने बोल रही हूँ इनको ऐसे ही उच्चारित करना है उनको उनकी फैमिली में गंग्जा बोल के भी बुलाया जाता था जो एक फूल की कोपल होती है ऐसा इसलिए बोलते थे उन्हें क्योंकि वो बहुत ही हंसमुख थी और बहुत ही प्लम और पिंक थी वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी यंगेस्ट थीं उनका एक एल्डर ब्रदर था जिसका नाम था लाजार और उनके सिस्टर का नाम था आगा और वो लोग एक बहुत बड़े घर में रहते थे जहाँ एक बहुत बड़ा बगीचा भी था हर पेरेंट्स वर वेरी केयरिंग एंड नेवर रिफ्यूज एनी वन हु नीडेड हेल्प वेन मदर टेरेसा रिकॉल्ड अर चाइल्ड हुड शी सेड वी वर अ हैप्पी एंड यूनाइटेड फैमिली उनका ऐसा मानना था कि किसी की जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती थी वो कभी भी उसे ना नहीं बोलते थे और वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे मदर टेरेसा ने यह बताया कि उनके बचपन में उनकी फैमिली बहुत एकता के साथ और खुशहाल तरीके से रहती थी वैन एगनस वॉज एट ईयर्स ओल्ड हर फादर डाय जब वो आठ साल की थी तो उनके पापा का देहांत हो गया हर मदर वर्क वेरी हार्ड टू मेक श्योर द चिल्ड्रन वर हैप्पी उनकी मम्मी ने बहुत मेहनत करी ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें मदर टेरेसा रिमेंबर्ड माई मदर टॉटर्स टू लव गॉड एंड आवर नेबर्स मदर टेरेसा याद करते हुए इस चीज़ को बोलती हैं इस इन पंक्तियों में कि उनकी मम्मी ने उन्हें ये सिखाया कि ईश्वर से प्यार और हमारे पड़ोसियों से हमें कैसे प्यार करना चाहिए एग्निस एंड हर सिस्टर टुक पार्ट इन मेनी चर्च एक्टिविटीज शी लव रीडिंग अबाउट द लाइव ऑफ सेंट्स एंड ग्रेट पीपल एग्निस जो है वो मदर टेरेसा है वो और उनकी सिस्टर बहुत सारी चर्च में हो रही गतिविधियों में भाग लेती थी महान संतों और महान लोगों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद करती थी उनकी जीवनी के बारे में वंश शी हर्ड वॉयज इन अ ड्रीम्स एज एफ गॉड वॉज आस्किंग हर टू बिकम अन एक बार उन्हें अपने सपनों में ऐसी आवाज़ आई जैसे भगवान उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें एक सन्यासिन बनना चाहिए शी केम टू इंडिया एंड बिकम नन और वो भारत आई और वो सन्यासीन बन गई शी बिगैन सर्विंग पुअर एंड एलिंग पीपल इन कोलकाता और उन्होंने कलकत्ता में जितने भी गरीब लोग थे उनकी सेवा करना शुरू किया जो बीमार थे गरीब थे शी वॉज फाउंडली कॉल्ड मदर टेरेसा और और इस तरीके से वो हर जगह मदर टेरेसा के नाम से जानी गईं उनकी पूरी लाइफ ऑल अर लाइफ शी लुकड आफ्टर द नीडी पीपल उन्होंने पूरी लाइफ ज़रूरतमंद लोगों उन्होंने पूरी लाइफ अपनी पूरी लाइफ में ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रखा उनकी सेवा करी शी डाइड इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन वी ऑल रिमेंबर हर एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल इन दिस्ट्री ऑफ़ द वर्ल्ड उनका निधन हो गया 1997 सेवन में और संसार के इतिहास में हम इन्हें एक महान इंसान के रूप में याद करते हैं और करते रहेंगे तो ये कहानी लिखी गई है मानी मेहरा के द्वारा जिन्होंने मदर टेरेसा के बारे में बताया कि वो कौन थी और उन्होंने वो एग्निस से मदर टेरेसा बनी सो माई डे चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी नाइस चैप्टर हमें इस चैप्टर से एक चीज़ सीखनी चाहिए मदर टेरेसा जो एक महान हस्ती थी उन्होंने किस तरीके से बिना किसी सीखना चाहिए कि निःस्वार्थ हमें निःस्वार्थ हमें कैसे अपने जीवन में लोगों की सेवा करनी चाहिए और राइट चिल्ड्रन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर और राइट थैंक यू एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल